हम लोग लखनऊ में एक बड़ी पुरानी म्यूज़िक की दुकान पे है, यहाँ पे हारमोनियम तबले ढोलक इफरात में आपको दिखेंगे। इस दुकान का नाम है अल्लन साहब एंड सन्स। इस दुकान का एक नौशाद अली कनेक्शन भी है, नौशाद अली जो बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिसने बहुत कमाल की फिल्मों में म्यूज़िक दिया, मुगले आज़म जिनमें से एक है। तो हमारे साथ ये सर हैं, अभी इनके पास ताज़ा कोई एक हारमोनियम ख़राब हो, आपका हारमोनियम ख़राब हो गया जी था? जी क्या समस्या आ रही है इसमें? वो ये बज नहीं रहा, इसमें उसकी लकड़ियाँ वो बेकार हो गई। तो ये ताज़ा लेकर आए थे सुधरवाने के लिए और अब ये यहाँ पर रिपेयर किया जाएगा। तो हमने कहा इधर से ही तुरंत हमें वीडियो चालू कर लेना चाहिए ताकि डॉक्टर साहब इस मरीज़ को देखें और तुरंत इसकी कमियाँ बता दें। सर आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा अजमतुल्लाह नाम है। अच्छा, तो ये आप किसने शुरू करी थी ये दुकान? ये हमारे दादाजी ने शुरू की थी। दादाजी जिनका नाम था? अल्लन साहब। अल्लन साहब। तो फिर उसके बाद पिताजी और फिर हमारे पिताजी रहे, फिर हम लोग रहे और भी ख़ानदान के लोग रहे हैं। तो अब जैसे नौशाद साहब भी रहे हैं इसी दुकान से। क्या कनेक्शन है नौशाद साहब का, ज़रा बताइए हमें। नौशाद साहब जो थे वो हमारे दादा के जो थे वो मामू थे सके। और साहब दादाजी के मामू थे। अच्छा। हाँ, तो मामू तो मेन तो मामू ही थे नौशाद साहब को इस काम पे लाने के लिए। हाँ। तो अपने साथ बचपन से ही उनको अपने साथ रखते थे, अपने साथ लेके आते थे और दादाजी के ही अंडर में ही वो रहते थे ज़्यादातर। तो अपने मामू के पास से उन्हीं ने काम भी सीखा और संगीत का उनको लगाव था तो वो संगीत सीखने अपने उस्तादों के पास चले जाते थे, ज़्यादातर संगीत ही सीखते थे वो। आपने देखा सुना उनसे बातचीत करी है कुछ? उनके कुछ किस्से अगर आपके पास हों जो आप हमसे साझा कर सकें। अब आखिरी टाइम पे था उनका कि जब बहुत बीमार थे तो फ़ोन करके कहें बताने लगे कि एक बार लखनऊ आने का बहुत दिल चाहता है लेकिन अब तबीयत ऐसी हो गई है कि उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिल जो है वो लखनऊ में ही लगा रहता है कि एक बार उठ के लखनऊ को फिर से देख लें अपनी आँखों से। ये तमन्ना उनके आखिर तक की रही थी लखनऊ आने की। क्या यहाँ पे आते थे, इस दुकान पर आते थे? जी, जब भी आते थे तो पहले सबसे पहले अपने मामू की दुकान ही पे आते थे। हाँ। और उसके बाद फिर कहीं भी जाना होता था तो फिर जाते थे। क्या वो अपने साथ क्या चीज़ें रखते थे, हारमोनियम वगैरह कुछ, और यहाँ पे आकर क्या करते थे थोड़ा? नहीं, यहाँ पे सब मुलाकात करने आते थे सबसे और ख़ास करके अपने मामू से तो मुलाकात ज़रूरी करना होती थी उनको, तो इस नियत से ही लखनऊ आते थे और पूरा ख़ानदान ही लखनऊ में उनका है। तो फिर फुर्सत में सब जगह अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, सब जगह जाते थे। चलिए नौशाद साहब की हमने बात करी, अब ये जो एक मरीज़ आपके पास आया है हारमोनियम, इसका क्या समस्या आपको इसमें नज़र आ रही है, कैसे इसको सही करेंगे? थोड़ा सा पहले हमें कुछ बुनियादी बातें बता दीजिए हारमोनियम की, ये बजता कैसे है और ये सारी चीज़ें। अब ये तो आया है, ये बज ही नहीं रहा है। अब इसको पूरा रिपेयर करेंगे तब ये बजेगा। इसका एयर फिटिंग करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे। क्या आपने दो शब्द बोल दिए, इनका क्या मतलब? इसका एयर फिटिंग जब होगा तभी इसके अंदर आवाज़ आएगी। हाँ। जब आवाज़ आएगी तो फिर इसका ट्यूनिंग करना होता है, मेन काम ट्यूनिंग का है। ये क्या होता है? ट्यूनिंग होता है सुर को जो है एक ट्यूनिंग जो एक लय में करना होती है। अच्छा, ये बताइए, ये यहाँ पे एक चेतावनी सी लिखी है 440 पर होने वाले हारमोनियम की ट्यूनिंग के बारे में। हाँ। आपको हमें बताना होगा नहीं तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हाँ। ये क्या लोग हारमोनियम ट्यूनिंग के लिए कह के चले जाते हैं। हाँ। और जब लेने आते हैं तो उसको 440 से ट्यूनिंग के चेक करते हैं तो वो होता नहीं है, जब तक बताया नहीं जाएगा 440 का ट्यूनिंग होता ही नहीं है, वो बताने को परी होता है वो। तो पहले से बताना होता है कि 440 बताने। हाँ, हमको 440 चाहिए तो पहले से बताना। 440 हर्ट्ज होती होगी फ्रीक्वेंसी? हाँ, फ्रीक्वेंसी होती है, होती है। 440 वोल्ट हमने सुना है, चेतावनी लिखी होती है, ये हमने देखा 440 वाली चेतावनी यहाँ पे भी लिखी है, करंट है। नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं है। तो आप हमें थोड़ा सा अंदर चल के अपनी वर्कशॉप में दिखा सकते हैं कैसे हम हारमोनियम ठीक करते हैं और क्या उसकी प्रोसेस होती है? अंदर है वर्कशॉप, है ना? और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे? और गिटार है, हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, करीब करीब सभी इंस्ट्रूमेंट है। आपका फेवरेट कौन सा है? हारमोनियम ही रहता है, मुझे भी बहुत पसंद है। क्या आवाज़ होती है जी, हारमोनियम एक अलग ही साउंड है। अच्छा, हारमोनियम के मुकाबले जो ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप के आए हैं केसीओ वाले कीबोर्ड जो होते हैं, इनमें और हारमोनियम में आपको क्या फ़र्क समझ में आता है? इसमें भी कई मोड होते हैं, उसमें से एक हारमोनियम वाला मोड भी होता है।
हारमोनियम एक मिजाज वाला साज है, क्या बात है? जो मिजाज के हिसाब से ही बजाया जा सकता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक साज हैं वो मिजाज वाले नहीं होते हैं, वो तो एक बंधा हुआ साउंड है, उसी वही साउंड निकलना है उसमें। और हारमोनियम की एक अलग ही मिठास होती है, वो हर चीज़ हर जगह नहीं मिलती है उसमें, कीबोर्ड में नहीं मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलेगी। और सारी म्यूज़िक जो है सेटिंग होती है वो सब हारमोनियम ही पे होती है, धुनें जो बनती हैं सब हारमोनियम पे ही बनाई जाती हैं। तो अभी जैसे ये हारमोनियम है हमारे पास जी, ये क्या रिपेयर को आया हुआ है, इसको खोल के पूरा रिपेयर करना है हमें। अच्छा, हाँ। तो अक्सर क्या क्या समस्या आ जाती है, ऐसा लोग क्या कर देते हैं कि गड़बड़ आ जाती है, जो सबसे कॉमन बीमारी हो? कॉमन बीमारी हारमोनियम के अंदर एयर फिटिंग और ट्यूनिंग की होती है। अच्छा, हाँ, वो 4-5 साल के बाद कराना ही होता है लोगों को, जो बजाने वाले हैं वो 4-5 साल के बाद एक बार जो है उसको सही कराते हैं, उसके बाद फिर वो अपने पूरे उसमें आ जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती बजाने में। तो ऐसे हर बार जो भी नया हारमोनियम आता है उसको ऐसे पूरा खोल दिया जाता है फिर उसको? हाँ, जब रिपेयर के लिए आता है तो पूरा हारमोनियम खोल के फिर से उसको रिपेयर करके पूरी फिटिंग करके फिर से उसको सही करके बनाते हैं हम लोग। थोड़ा आप हमें कुछ करके बता सकते हैं, जैसे इसमें अभी क्या होगा, मतलब इसकी थोड़ी सी हमें प्रोसेस समझ में आए, कहाँ से ये किस लिए होता है, ये जो हिलाते हैं? ये एयर के लिए होती है, ये बेलो कहलाती है, इसी से एयर जाती है अंदर, जब एयर अंदर जाती है तो फिर हारमोनियम जो है अपना साउंड देता है। तो हवा का ही खेल है, हवा का पूरा एयर का खेल है। तो इसमें बताइए आप हमें कुछ 3-4 ऐसी पेचीदा सी बातें जो आम आदमी को पता होनी चाहिए हारमोनियम के बारे में, लेकिन पता नहीं होती, देखा तो हम सब ने। हाँ, देखते तो सभी हैं, लेकिन ये असल में जब पूरा हारमोनियम खुलता है ना, तो तब एक एक चीज़ उसको जो है फिर से फिटिंग की जाती है, फिटिंग करके लेदर वेदर हैं ये सब चेंज करके उसकी फिटिंग करके फिर ट्यूनिंग करके उसको कम्प्लीट किया जाता है। ये और ये सब क्या क्या लगा है, ये सब कॉलम, ये सब लेदर वेदर सब लगे हैं, ये सब चेंज करे जाते हैं, चेंज करके इसको पूरा एकदम एयर फिटिंग कराया जाता है। जब एयर फिट हो जाता है पूरी, तो उसके बाद फिट हारमोनियम को फिट करके उसके बाद फिर ट्यूनिंग की जाती है, फिर ट्यूनिंग करने के बाद फिर कस दिया जाता है, उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। ट्यूनिंग तो वो ना मतलब कान से सुन के करते हैं कि सारे गामा ऐसे करके हैं, कान से सुन के ही ट्यूनिंग होती है। उस्ताद लोग वो उस्तादी अली का काम है, वो हर एक को के बस का नहीं होता, वो चंदी लोग होते हैं जो ट्यूनिंग के मास्टर होते हैं। तो अभी ये आप भी देखते हैं ये ठीक करने का काम या कोई? नहीं, हम भी देखते हैं, हमारे लड़के भी देखते हैं। अच्छा, हाँ, आपके लड़के भी सब इसी? हाँ, इसी में है। हाँ, इसी को देखते हैं, काम भी करते हैं, दुकानदारी भी करते हैं अपने। तो अभी हमें ये लगा के दिखा सकते हैं क्या इसके ऊपर पूरा इसका? हाँ, इसकी सेटिंग जो है क्या क्या होता है, क्योंकि ये तो अभी पूरा खाली था। हाँ, ये आपने ये इसकी किश्ती कहलाती है। किश्ती? हाँ, तो इसको ये मेन है जिसके अंदर एयर जाती है, जब एयर इसके अंदर जाती है तो फिर इस मेरे लिए सीरियस हो? हाँ, देख लीजिए ये क्या चीज़ है? ये चाबियां हैं, इसमें रीड लगे हैं, यही मेन रीड होते हैं। क्या होता है जैसे ये रीड है? हाँ, यही साउंड देते हैं जब ये बटन दबाई। हाँ, ये बोलते हैं। हाँ, कीज बोलते हैं इसको। हाँ, जब ये कीज दबेंगे तो ये रीड जो है यही साउंड देते हैं। फिर कैसे, मतलब क्या बदल जाता है, जैसे उठा के हम अगर देखें? देखिए, मैं थोड़ा सा चाचा साइंस नहीं, वाला हूं, तो ऐसे हर चीज को करके ये रीड्स हैं। हाँ, जब इसके अंदर हवा आएगी, एयर आती है, तो ये रीड्स से ही रीड हवा से ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। अब ये कस दिया जाएगा, उसके बाद जो है ये कस के अब जो भी करना होगा तो आप इसको यहाँ से फिटिंग करके उसको चेक कर लिया जाता है। ऐसे वहाँ से हवा आती है? हाँ, ये दबाते हैं तो साउंड आता है। फिर वहाँ हवा का समीकरण बदल जाता होगा कुछ? समीकरण बदल जाता है, फिर पूरा जो है यहाँ से साउंड निकलता है। तो अभी इसमें क्यों नहीं है? अभी इसमें बहुत कमी है। अभी ये जैसे ये है, ये वाल है, वाल कहलाता है, जब तक ये नहीं लगेगा इसमें हवा रुकेगी नहीं अंदर आके। अब इसको चमड़े इसका लेदर वेदर सब चेंज करने के बाद इसको यहाँ फिट किया जाएगा पीछे, ये जैसे यहाँ फिट करना है, जब ये यहाँ लग जाएगा
तो उसके बाद ही इसमें जो है एयर भरेगी, ये एयर लेता है, एयर ले के अंदर फेंकेगा तभी ये इसके अंदर एयर आएगी। अभी तो ये पूरा खुला हुआ है, इसको रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। एयर फिटिंग जो आपने बताया जी, वो कैसे करते हैं, वो क्या चीज़ होती है? पूरा बाजा खोल के ही किया जाता है। इसको अभी एयर पैक टाइप का करना पड़ेगा कि किसी तरीके से? हाँ, ये जब तक कि ये नहीं लगेगा पूरा एयर उसमें रुकेगी नहीं, जब ये लग जाएगा तो पूरी एयर इसके अंदर रुकेगी। आमतौर पर ऐसे कितना समय लग जाता है एक हारमोनियम को? एक हारमोनियम रिपेयरिंग करने के लिए 2 दिन तो चाहिए होते हैं। 2 दिन चाहिए होते? 2 दिन चाहिए होते हैं। और ज़्यादा काम हो गया, जैसे ये बेलो एलो बदलना हुई, ये सब बदलना हुआ, तो उसमें 2-3 दिन और लग जाते हैं, 3 दिन का काम हो जाता है। ये सब आप लोग देख के? 2 दिन तो ज़रूरी लगते हैं एक हारमोनियम को बनाने, रिपेयर करने में 2 दिन का समय चाहिए होता है। 2 दिन का समय जी। अभी इसमें और कुछ बाकी है और कोई इसका हिस्सा? हाँ, इसका और भी अभी हिस्से हैं इसमें। अभी सब ऊपर से भी फिटिंग होगा, अभी सब लट्टू लगेंगे यहाँ पर, सभी कुछ लगेगा। लट्टू साथ सजावट के लिए रहते हैं? सजावट के लिए रहते हैं, एयर के लिए भी रहते हैं। एयर के लिए भी रहते हैं? हाँ, एयर के लिए भी रहते हैं। और इसमें स्टासुर होते हैं, वो भी अभी सब लगेंगे। सब लगने के बाद ये इसकी शक्ल जो है वो बदल जाएगी फिर। अच्छा, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपकी दुकान आपने बताया कि कितने साल पुरानी है? हमारी 96 साल पुरानी हुई दुकान। 1925 में? 1925 में दादाजी ने शुरू की थी। तो इतने दिनों से आप बचपन से ही देख रहे हैं? हाँ, अपने बचपन से ही हम लोग सब। तो लखनऊ में हमें म्यूजिक के कल्चर के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? क्या यहाँ पे लखनऊ का तो म्यूजिक कल्चर और घराने सब मशहूर थे बिल्कुल, और बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हुआ करते थे यहाँ। तो लखनऊ घराना एक है म्यूजिक के मामले में, जैसे बिरजू महाराज का घराना है हमारे, अहमद जान थिरकवा का घराना था, वाजिद हुसैन का घराना था, इस तरीके से बहुत से घराने हैं लखनऊ में जो संगीत को पूरे दुनिया में फैलाया उन्हीं ने। इन सब को मतलब यहीं पे ये घराने क्यों पनपे? मतलब राजा महाराजा, राजा महाराजा नवाबों के टाइम पर उनको बहुत वो फैसिलिटी मिलती थी। अब जैसे बिरजू महाराज का ख़ानदान था, इनका जो बाप दादा पुर के होते थे, तो सब वाजिद अली शाह के महल में ही सब नृत्य करते थे, तो उनको बहुत वो मिलता था उनको वहाँ से। आपने वाजिद अली शाह खुद भी नृत्य के बहुत शौकीन थे। अच्छा, और क्या, वो खुद भी नृत्य करना। कैसे, क्या कुछ किस्से कहानियाँ चलते हैं क्या? हाँ, उनके भी किस्से कहानियाँ चलते हैं। अब इतनी पुरानी हम कहाँ बता पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आपने इतना देखा है, संगीत की दुनिया को खूब देखा है, और आजकल का आप संगीत देखते हैं, तो जैसे हमारे तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं सब प्रदूषण टाइप का है ये। हाँ, तो आपको क्या लगता है, बताइए जरा? अब आजकल का संगीत बिल्कुल बदल गया है। आजकल नई पीढ़ी में वो चीज़ संगीत की नहीं आती जो मिठास और मेलोडी होती थी, वो सब खत्म हो गई है। लेकिन अब पॉपुलर डिमांड यही है, ज़्यादातर लोग को यही पसंद आ रहा है, और कीबोर्ड की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चे। और जिनको संगीत सीखना होता है वो फिर हारमोनियम या तानपुरा या सितार ये सब लेते हैं। फिर क्यों ऐसा क्यों करते हैं, इन्हीं बुनियादी इंस्ट्रूमेंट से शुरुआत क्यों करते हैं जबकि इतने आधुनिक चीज़ें भी? बुनियादी इसलिए कि इसमें सा जो है कायम करने वाली बात होती है, जब तक के सा नहीं कायम करेंगे तब तक के वो चीज़ आ ही नहीं सकती, आगे बढ़ेंगे नहीं। तो सा कायम करने के लिए हारमोनियम की बहुत ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस करने के लिए, रियाज करने के लिए, तो वो सब हारमोनियम ही पे होता है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा प्राकृतिक होता है, नेचुरल। हाँ, मेन नेचुरल हारमोनियम ही माना जाता है। अच्छा, शास्त्रीय संगीत हुआ या गजल अजल गाने के लिए जितने भी आप सब देखेंगे, सब हारमोनियम को बेस लेके चलते हैं वो लोग। स्टेट पे भी आपको हारमोनियम ही का इस्तेमाल मिलेगा ज्यादातर। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये ढोलक बना रहे हैं। ये ढोलक नई ढोलक बना रहे हैं, उसको फिटिंग कर रहे हैं सब। आप ढोलक का काम भी देखते हैं? हाँ, ढोलक का भी काम देखते हैं, सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट का देखते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे नौजवानों को, नए लड़के लड़कियों को संगीत को बरतने के लिए, कुछ आपने इतना देखा है, कुछ एक आध दो टिप्स देना चाहें तो? नहीं, नई नस्ल के लड़के जो हैं वो आज संगीत को जो है वो शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए बहुत उत्सुक है, और सीखते भी हैं लड़के, ऐसा नहीं है, म्यूज़िक कॉलेज है वहाँ सीखते हैं सब, और भी बड़े उस्ताद हैं लखनऊ में, उनके पास जाते हैं सीखने के लिए, लेकिन है शौक बहुत लड़कों के अंदर। नहीं, एक आध कुछ सलाह देना चाहें कि मतलब ऐसे मंत्र टाइप के होते हैं उनको क्या सलाह देंगे? आपने इतनी दुनिया देखी इसलिए हम कह रहे हैं।
चलिए, ये हम लोग पुराने लखनऊ में एक तरीके से एक बड़ी पुरानी 96 साल की संगीत की दुकान, हारमोनियम तबला इन सब की दुकान थी, और यहाँ पे आए, देखा कि यार पूरा हारमोनियम खुल जाता है तो वो कैसा होता है। अभी तो यहाँ पे नए नए टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हैं, गिटार वगैरह और कीबोर्ड है, लेकिन ये सब तो पहले आते नहीं होगा, पहले यही दो पुरानी, पहले ढोलक तबला हारमोनियम यही सब चलता था, पहले यही सब चलता था, और आज भी पीछे कारखाने में यही काम हो रहा है। कुछ और कहना चाहते हैं आप? नहीं बस। अच्छा, आपकी आवाज बड़ी वो है, एक आध कुछ कुछ आप हमें ऐसे गा के नहीं नहीं गा के नहीं सुना पाएंगे। अच्छा, वो तो ऐसे कौन सुना सकते हैं, नहीं मतलब म्यूजिक की दुकान पे आए और कुछ सुना नहीं तो ये तो बेईमानी टाइप की हो जाएगी। जी तबला भैया बजा के सुना देंगे। आप बजाते हैं? अच्छा बजाते जी, थैंक यू सर। अब कैसे बजाएं? माइक यहाँ कहीं लगाना होगा, पूरे तबला को निकाल। अच्छा, तो ये इससे अपन एंड कर लेंगे है ना इस वीडियो को, ठीक है। मजा आ गया तबलों में? अरे सर आए बहुत, कहने की ये कह सकते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम सतविंदर सिंह पारस। आप बता रहे थे ये आपके कस्टमर हैं? जी जी, जी हाँ। कस्टमर नहीं, हमारे बाप जैसे हैं। अच्छा। बहुत ये कह सकते हैं कि लखनऊ में जो बेस्ट तबला जो बनाते हैं, मुझे लगता है इनसे बढ़िया कोई नहीं है। मेरे को भी कम से कम 15 से 20 साल हो गए यहाँ पे, इनके ही पास में आता हूँ, और बहुत कहने को समझो तबले के भगवान सब कह लीजिएगा इनको। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव सा रिव्यू हो गया। अब हमें सतविंदर जी सुनाएंगे तबला। हाँ बिल्कुल, बता भी दीजिएगा थोड़ा इस चीज़ के बारे में जो आप सुना रहे हैं। जी जी जी, ये पाउडर क्यों डालते हैं? ये पाउडर ऐसा ना, जैसे कई बार हाथों को पसीना आता है, आ जाता है ना, तो उसको पसीने को कम करने के लिए पाउडर करते हैं। तो क्या सुनाने वाले? ये हम आपको सुनाएंगे एक ताल कहरवा। ताल कहरवा, और तो साथ में गाएंगे भी क्या? गाने क्योंकि गाना अलग हो जाता है, हम वैसे मेन तो हमारा तबला ही है। चलिए इस पे फिर होता है ना, जी क्या अलग चीज होती है। हाँ। गाने के साथ संगत की जाती है तो उसके लिए तबले का इस्तेमाल ज्यादा होता है। एक बार और बता दीजिए कौन सी, ये सर ताल कहरवा था, जैसे कि हम कह सकते हैं जागरण में जो चीज़ बजाते हैं, जागरण में जो माता जी का जागरण होता है, तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, बेटर। जी सर, इस वीडियो को मैं शब्दों से एंड नहीं करूँगा, इसको मैं कुछ ऐसे दिनक दिन धार से ही एंड करूँगा। इस वीडियो को एंड कर दीजिए।